हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे 12th में हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपका 7 नंबर पक्का करने वाला हूँ। यानी कि हिंदी में 7 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो जितने भी 12th वाले स्टूडेंट हैं उनको पता है कि क्लास 12 हिंदी संस्कृत में जो सुभाषित रत्नानी चैप्टर है इसी चैप्टर से श्लोक आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सुभाषित रत्नानी चैप्टर के 2 महत्वपूर्ण श्लोक को पढ़ेंगे, ठीक है। और यह भी बताऊंगा मैं कि आपको श्लोक कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है। तो सुभाषित रत्नानी चैप्टर के अगर आप श्लोक सॉल्व कर लेते हैं 7 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। देखिए ऐसे श्लोक दिया रहेगा, जैसे दिया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधु विपरीते मज्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ठीक है। ये आपका श्लोक दिया गया। अब दिया जाएगा कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि पहले तो आपको इसका संदर्भ लिखना है कि ये किस पाठ से लिया गया है, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। तो देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय, यानी कि विद्या विवाद के लिए धन जो है, धन किसके लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़ना है, और जो शक्ति है वो दूसरों को सताने के लिए, ठीक है। यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, ठीक है, उनकी जो विद्या होती है वो वाद विवाद के लिए होती है, धन जो होती है घमंड के लिए होता है, जो उनकी शक्ति होती है वो दूसरों को सताने के लिए होती है, ठीक है। खलस्य साधु विपरीते मज्ज्ञानाय, और इसके विपरीत जो साधु होते हैं, साधु ठीक है, उनकी जो विद्या होती है विपरीत, यानी कि इनके विपरीत होती है, ठीक है। मेतज्ज ज्ञानाय, उनकी जो विद्या होती है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए होती है, वो दूसरों को ज्ञान देते हैं, ठीक है, वो दूसरों को चाहते हैं कि हमारा ज्ञान हम उनको बांटें ताकि हमारा ज्ञान बढ़े, ठीक है। दानाय, और जो धन होता है वो दान करने के लिए होता है। चार रक्षणाएं, और उनकी जो शक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो यहां कहने का मतलब है कि जो मूर्ख लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, देखिए विद्या विवादाय धनम मदाय, जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़नाएं, और जो शक्ति होती है उनकी जो पावर होती है वो दूसरों को सताने के लिए होती है। लेकिन जो हमारे साधु लोग होते हैं, खलस्य साधु विपरीते मज्जाय, और इसके विपरीत जो साधु लोग होते हैं उनकी विद्या जो है वो ज्ञानाय, ज्ञान के लिए होती है, ज्ञान प्राप्ति के लिए, और जो उनका धन होता है वो दानाय, दान के लिए होता है, और जो उनका उनकी जो शक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा के लिए होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका संदर्भ लिखना होगा। पहले जब भी आप इसको सॉल्व करें तो एक काम करें, आप लोगों को 2 श्लोक दे जाएंगे, आपको एक ही करना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर विद्या ऐसे लिख देंगे, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर को लगना चाहिए ना कि यहाँ आपने यही वाला श्लोक सॉल्व किया है। अब यहाँ पर लिख देंगे रक्षणाय, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं उतारना होगा, ठीक है, आपको इसका फर्स्ट वर्ड, इसका लास्ट वर्ड लिखना है ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपने यही वाला सॉल्व किया है। अब एक हेडिंग डालेंगे अच्छा सा, संदर्भ, ठीक है, आप लोग थोड़ा स्केच से डालिएगा, किसी से ब्लैक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप इनका यूज करें, देखिए इनका ये रेड वर्ड यूज नहीं करना है, रेड कलर, ग्रीन, येलो, ये सब नहीं, ठीक है। अब संदर्भ में हम कैसे लिखेंगे, आपको चैप्टर का नाम लिखना है संदर्भ में, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, बताइए कौन सा भाग है, ये गद्य नहीं है, पद नहीं है, ये संस्कृत भाग है, थोड़ा इसको हम ब्लैक से लिखेंगे, संस्कृत भाग, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया थोड़ा अच्छे से ये, ठीक है, संस्कृत भाग में संकलित, में संकलित। अब हम लिखेंगे चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम क्या है, सुभाषित रत्नानी, तो इसको भी हम ब्लैक से लिखेंगे, थोड़ा हाईलाइट रहना चाहिए तभी तो अच्छा लगेगा, तभी एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा। तो ये सब चीजें ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप ब्लैक से ही लिखते चले जाएं, प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लू से ही लिखते चले जाएं तो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, बट अच्छे से लिखना, सुभाषित रत्नानी, ठीक है। नामक पाठ से अवतरित है, नामक
पाठ से अवतरित है, यानी कि जब भी आप संदर्भ लिखें तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, तब एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देगा। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। इसमें आपका पाठ का नाम होना चाहिए। अब इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़ना, यानी कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और जो शक्ति होती है वो दूसरों को सताने के लिए होती है। खलस साधु विपरीत मज्जय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, इसके विपरीत जो साधु होते हैं उनकी विद्या ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए, और जो शक्ति होती है दूसरों की रक्षा के लिए होती है। देखिए, अनुवाद में मैंने ये लिखा, दुष्ट की विद्यावाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु यानी कि सज्जन लोग जो होते हैं उनकी विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति रक्षा के लिए होती है। ठीक है, तो ऐसे आपको लिख देना है। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा है। आपको संदर्भ लिखना आना चाहिए और हिंदी अनुवाद आना चाहिए, तभी आपको 7 में 7 नंबर एग्जामिनर देगा। थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, कोई काट ही नहीं सकता आपका नंबर। ठीक है, जब भी आप किसी चीज को लिखें थोड़ा अच्छे से लिखें, साफ सफाई रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां पर काट पीट कर दें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो है इसको समझना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रीरति या सुचरितो पित्रम स पुत्रो यदि भर्तुरे हितमिच्छत तत्कलत्रम तत् तन मित्र मापदि सुखे चा समक्रियम यद एतत्त्रयम् जगत पुण्य कृतो लभन्ते। ठीक है, ये क्या कहा जा रहा है ध्यान से पहले समझिए। ठीक है, देखिए, प्रीरति या सुचरितो पित्रम सा पुत्रो, यानी कि जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करे वही पुत्र है। देखिए, प्रीरति या सुचरितो, जो अपने अच्छे चरित्र से, ठीक है, पितरम पिता को प्रसन्न करे सा पुत्रो, वही पुत्र है। ठीक है, यदि भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम, यदि भर्तुरेव, और जो पत्नी अपने पति का हितमिच्छति, हित चाहती हो यानी कि भलाई चाहती हो, तत्कलत्रम, वही पत्नी है। यानी कि जो पुत्र अपने चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करे वही पुत्र है, और जो पत्नी अपने पति का भलाई चाहती हो वही पत्नी है। ठीक है, तन मित्र मापद सुखे चा समक्रियम यद। ठीक है, यानी कि तन मित्र पद, और जो वही मित्र है, वही आपका मित्र है, सुखे, जो सुख में और दुख में चा समक्रियम यदि वो समान व्यवहार करे, यानी कि वही आपका मित्र है। ठीक है, जो आपत्ति यानी कि सुख और दुख में, दुख और सुख में एक सा व्यवहार करे वही पत्र, वही आपका मित्र है। एतत्रयम् जगत पुण्य कृतो लभन्ते, एतत्रयम्, ये तीन चीजें, ठीक है, ये तीन कौन, अच्छा पुत्र, अच्छा पत्नी और सच्चा मित्र, ये तीन चीजें जगत पुण्य कृतो लभन्ते, ये संसार में पुण्य आत्मा को ही प्राप्त होते हैं, यानी कि जो पुण्य आत्मा लोग होते हैं उन्हीं को ये लोग मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया, प्रीणत या सुचरितो पित्रम सा पुत्रो, जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करे वही पुत्र है। यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम, जो अपने पति का भलाई चाहती हो, जो पति का हित चाहती हो वही पत्नी है। तन मित्र मापद सुखे च समक्रियम यद, जो आपत्ति यानी कि जो दुख और सुख में एक सा व्यवहार करे वही मित्र है। ठीक है, आपके सुख में तो वो है, अगर दुख में वो भाग जाता है तो वो कैसा मित्र हुआ, ठीक है, वो अच्छा मित्र नहीं है। एतत्रयम् जगति पुण्य कृतो लभन्ते, और ये तीनों चीजें जो हैं वो पुण्य आत्मा को ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपको इसमें भी सबसे पहले ऐसे लिख देना है। देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ प्रीणति, जब आप इसको सॉल्व करें प्रश्न उत्तर संख्या डालने के बाद ऐसे लिखें, फिर डॉट डॉट कर दें, ठीक है, फिर आपको लिखना है लभन्ते। अब देखिए, मैं तो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं तो मैंने 2-3 ले लिया, आपको तो एक ही करना होगा ना। तो देखिए, संदर्भ इसका वैसे ही लिखना है जैसे मैंने अभी पहले वाले में बताया था, क्योंकि संदर्भ बार बार लिखने से क्या फायदा जब सेम ही संदर्भ है। ठीक है, तो यहां पर देखिए वही चीजें लिखी है, जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करे वही पुत्र है। ठीक है, जो पति का हित भलाई चाहती हो वही पत्नी है। जो आपत्ति और सुख में, यानी कि आपत्ति का मतलब दुख, ठीक है, तो जो दुख और सुख में एक सा व्यवहार करे वही मित्र है। और इन तीन यानी कि अच्छे पुत्र, अच्छी पत्नी और सच्चे मित्र को संसार में पुण्य आत्मा जन ही पाते हैं, यानी कि ये सभी को नहीं मिलते हैं। किसी का पुत्र गड़बड़ है, किसी की पत्नी गड़बड़ है, तो किसी का मित्र नहीं अच्छा है, तो ये तीनों चीजें जल्दी नहीं मिलती, और जिनको ये तीनों चीजें मिल गई वही संसार में पुण्य आत्मा है, यानी कि ये सब चीजें पुण्य आत्मा को ही प्राप्त होती है। ये बहुत सीखने वाली चीज है, यहां पर इसको सिर्फ श्लोक लेकर मत चलिएगा, आप बोर्ड एग्जाम तो पास कर लेंगे लेकिन ये सब आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, आपका अगर आपका चरित्र अच्छा है और आप अपने चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न कर रहे हैं तभी आप पुत्र हैं, नहीं तो आप पुत्र नहीं है। ऐसी पत्नी जो अपने पति का हित चाहती हो वही पत्नी है, ठीक है, जो बुराई चाहती है वो पत्नी नहीं है। और जो दुख और सुख में एक सा व्यवहार करे वही आपका मित्र है।
ठीक है, और इन तीनों को पुण्यात्मा ही पाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका दो महत्वपूर्ण श्लोक। अब देखिए, दो मैंने बता दिया, इस चैप्टर में और भी श्लोक है, उसको भी पढ़ लीजिएगा, आपका 7 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से श्लोक आता ही आता है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।